कार्यालय जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका बड़ा व्यापक जनाधार है, ऐसी सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आज आप सब लोगों के सम्मुख इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी का, योगी जी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और मैं निश्चित रूप से जो हमारी सरकारों ने काम किया है हमारे एजेंडे के साथ जुड़कर, वो हमारे विचार के आधार पर एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इस संकल्प को उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से समर्थन को दोहराया। मैं इन पार्टियों के सभी साथी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, पदाधिकारियों का, दोनों के माननीय अध्यक्षों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि जो उनकी अपेक्षा है, देश के विकास के साथ एजेंडे के साथ जुड़कर उन्होंने देश की विकास यात्रा में जुड़ने का निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत भी करता हूं और उनके प्रति और उनके समर्थकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली विकास यात्रा के साथ जुड़ने का निर्णय लिया है और अपने संकल्प को हमारे संकल्प के साथ जोड़ा है। और हम सब लोग मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ एनडीए का पूरा कुनबा हम जनता के बीच में है। भाइयों बहनों, दो चरणों के चुनाव हुए हैं और देश में 7 चरणों के चुनावों में, उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होने, तो मैं आभारी हूं इन सभी लोगों का कि जिन्होंने हमारी पार्टी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया और हमारा समर्थन किया। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेखराज जी, प्रदीप निषाद जी, अरुण कुमार जी, अतर सिंह तोमर जी, जयप्रकाश निषाद जी और सत्येंद्र कुमार सोलंकी जी, ये सब पदाधिकारी हैं सामाजिक न्याय नवलोक पार्टी के और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी रामनाथ गौड़ जी उपस्थित हैं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन पत्र लेकर हम लोगों के बीच में आए। तो मैं आभारी हूं और निश्चित रूप से उनके साथ आने से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली विकास यात्रा और हमारा जन समर्थन उत्तर प्रदेश में बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से एनडीए के सभी साथी हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार प्रकट करते हुए दोनों अपने साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, माननीय स्वतंत्र देव जी भाई साहब का, माननीय संजय राय जी का और अपने सभी मंचासीन पदाधिकारियों का और आप सब उपस्थित साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।